हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीके लबैक को धरना खत्म करने का हुक्म। खुदा का खौफ करें, मामला अदालत में आ गया है। जस्टिस शौकत अजीज के रिमार्क्स, कहा नेकी का काम गलत तरीके से किया जाए तो ये भी गलत है। मुजाहिरीन कानून की पाबंदी करें, वजारत दाखिला का नुमाइंदा, आईजी पुलिस और कमिश्नर जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद में गैर मामूली हालात का सामना है। एम्बुलेंस का रास्ता रोकना, अस्पताल ना जाने देना हुब्बर रसूल का तकाजा नहीं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की तहरीक लब्बैक पर तनकीद, कहा ऐसा धरना दीन के मुफाद में नहीं। बहुत ज्यादा तंग आए हुए हैं, बहुत ज्यादा मसले मसाइल, हमारे पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, हमें 2 घंटे आने में लग रहे हैं, 2 घंटे ढाई घंटे जाने में लग रहे हैं। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, लोग ट्रैफिक के में खार और जलील हो रहे हैं। जो ट्रैफिक का मसला है वो आवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। धरने की वजह से जुड़वा शहरों में 9 रोज भी निजाम जिंदगी मफलूज। फैजाबाद में तहरीक लबैक का धरना जारी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जमीनी रब्ता मुनकता, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। तुर्बत में 15 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्ला जहरी, सरफराज बुट्टी समेत आला हुकाम की शिरकत, मैयतों को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। अल्लाह हम पर भी रहम करेगा और जो हमने एक तरक्की का एक दौर शुरू किया था इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तमाम मामलात दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं, तरक्की का सफर पहले से ज्यादा जोश से जारी रहेगा। मुल्क को कौम की खिदमत करते रहेंगे, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेज यकजा करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने अपने चैंबर में समाअत की, एहतसाब अदालत नैब रेफरेंसेज यकजा करने की दरखास्त पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान को सेनेट इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है, वो सेनेट इंतखाबात से पहले असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं। एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले काबिल फख्र नहीं। नवाज शरीफ तहफुजात के बावजूद अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीफ खानदान मोदी का जबान बोल रहा है। एक तरफ डूबती मईशत और दूसरी तरफ मफरूरों का टोला है, पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान की कड़ी तनकीद। पीएसपी मुल्क भर में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है, पीएसपी रहनुमा रजा हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में सियासी खला नजर आता है, रॉ की सरगर्मियां नजर नहीं आती। बलूचिस्तान और कराची के हालात आवाम से छुपाना भी जुर्म के मुतरादिफ है। डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए एक बार फिर बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। विफाक तमाम मुलजमान के साथ यकसां सुलूक क्यों नहीं करता, जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। कलभूषण की अहलिया से मुलाकात कराने की पेशकश इंसानी बुनियादों पर की, इस मामले पर भारत के जवाब का इंतजार है, तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज रंग ले आया, वजीर आला सिंध और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुजाकरात कामयाब,
وزیر اعلیٰ کی جائز مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی. سیالکوٹ کے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن کے طلبہ پر تشدد کی فوٹیج سامنے آ گئی. اسکول کے بچوں پر بس کنڈکٹر کا بہیمانہ تشدد, کنڈکٹر فرار, اسپیشل طلبہ خوف میں. مٹھی میں غذائی قلت سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے. رواں ماہ ہلاکتوں کی تعداد 20 تک جا پہنچی. علاقے میں حکومتی اقدامات نہ ہونے کے برابر. فیصل آباد میں پیرامیڈیکل اسٹاف کا اسپتالوں کی نچکاری اور دیگر مطالبات کے حق میں احتجاج. مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی. ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے صدر کو چھوٹا اور موٹا کیوں کہا؟ کم جونگ ان کی بے عزتی کرنے والا موت کا حقدار ہے. شمالی کوریا کی امریکی صدر کو دھمکی. فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی اساد الحریری کو اہل خانہ سمیت فرانس آنے کی دعوت. سیاسی پناہ دینے کی تردید. حریری چند روز میں فرانس پہنچیں گے.